माछ्रू नदी उपरे थिबा झुला पोल भुशुड़ा घटन मृत्यु संख्या शहे पहुंची नदी में शहे अधिक भासी जाउथिबारु मृत्यु संख्या बढ़ी पारे बोली मध्य आशंका करा जाउछि। मृतकों मध्य कोड़े अधिक शिशु थिबा बेले भासी जाइथिबा लोकों मध्य भी शिशुं संख्या अधिक रही कहुच्छी। घटना परे उद्धार कार्य को त्वरान्वित वायुसेना पक्षर गरुड़ कमाण्डो को नियोजित करपरी तीन प्लाटून एनडीआरएफ एचडीआरएफ अग्निशम बाहन उद्धार कार्य जारी रखिंट। भारतीय नौसेनार 50 जन जवान वायुसेनार 30 जन जवान स्थलसेनार 2 कलम जवान घटनास्थल में उपस्थित रही उद्धार कार्य चालू रखिंट। राजकोट जामनगर डीयू और सुरेन्द्रनगर आसी उद्धारकारी दल पहुंची काम उद्धार काम चलाई आहतों को चिकित्सा करने लगी राजकोट सिविल हॉस्पिटल स्वतंत्र वार्ड कर मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल घटनास्थल अनुधान पर हॉस्पिटल पहुंची आहतों को भेटी। मृतकों परिवार को राज्य सरकार 4 लाख टंका लेखाएं देवाकु घोषणा करथिबा बेले केन्द्र सरकार 2 लाख टंका लेखाएं देवाकु घोषणा करिछंती। आहतों को उभय केन्द्र और राज्य सरकार 50,000 लेखाएं जोगाई देबे। गोटे समय रे क्षमता ठारु अधिक ओजन ठूल होबारु पोलो भुशुड़ी पड़ा कहुच्छ। घटनापी राज्य सरकार को दायी करिछंती कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। घटना बनते ही राज्य सरकार द्वारा रेस्क्यू की कामगिरी तुरंत ही चालू हो उसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने आसपास के सभी जिला के अधिकारियों को मोरबी में अलग अलग व्यवस्था में ड्यूटी लगवाई। 6:30 को बनी हुई ये घटना में पहला पेशेंट हॉस्पिटल तक 6:50 को पहुंचा लिया गया था। राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने अपने सभी कार्यक्रम को रद्द करके तात्कालिक मोरबी पहुंचे। मोरबी पहुंच के मुख्यमंत्री जी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। घटनास्थल का निरीक्षण करके हॉस्पिटल में दर्दियों को मिले, परिजनों को मिले और ख़ास तौर पे मुख्यमंत्री जी ने सबको सूचना दी है। जिस प्रकार की प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी दर्दियों को सरकार द्वारा एडमिट किया गया है उसकी सभी प्रकार की देखभाल सरकार द्वारा की जाएगी। तबे झुला पोल ट्राजेडी रे मृत्यु संख्या 100 को टपिछि एवं आहुरी अनेक माछु नदी रे भासी जाइथवार सूचना मिलिछि। तेणु मृत्यु संख्या आहुरी मध्य बढ़ी पारे किंतु सरकारी सूत्र रे बाबद रे सूचना एपर्यंत स्पष्ट भाव में मिली पारि नाही। उद्धार कार्य एबे भी जारी रहिछि। जवान एवं एनडीआरएफ एचडीआरएफ रो टीम उद्धार कार्य जारी रखिछन्ति। गतकाली एठारे अघटन घटीथिला गुजरात मोरबी माछु नदी उपरे थिबा झुला पोल रे एका थरे सह सह संख्या रे लोक माने जाउथिबा समय रे झुला पोलटी छिंडी छिबारु खसी पड़िबारु माछु नदी रे अनेक लोक भासी जाइथिले। सेमानक मधुरु 100 रु अधिक लोकंकर वर्तमान पर्यंत मृत्यु होइथिबार सूचना मिलि पारुछि। आहतंकु तुरंत चिकित्सा देबा पई मध्य स्थानीय हॉस्पिटल गुड़िक रे व्यवस्था करा जाइछि। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल निजे घटनास्थल को जाई घटनास्थल रे घटना बाबद अनुधान कर मृतकों परिवार को केंद्र एवं राज्य सरकार तरफ सहायता घोषणा कर प्रतिनिधि शैलेश चंपानेरी आम सहित फोन लाइन जोड़ते अधिक सूचना। शैलेश आपसे जानना चाहेंगे कि ये बड़ी हादसा में अभी तक क्या जानकारी है, कितने लोगों की मौत हुई है, क्या अपडेट सूचना है इस बारे में? देखिए उदित, ये जो गुजरात में जो कल हादसा हुआ है शायद गुजरात के इतिहास में कभी इतनी बड़ी दुर्घटना न हो। करीब करीब 140 लोगों की मौत होने की पुष्टि तो प्रशासन की ओर से भी की गई है और ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। और खास करके जो ये जो पूरा मामला है उसमें बच्चे और महिलाओं की मौत ज्यादा बड़ी मात्रा में हुई है। काफी बच्चों को प्रशासन की ओर से बचाया भी गया है पर 140 लोगों की मौत होने की पुष्टि प्रशासन ने की है और साथ साथ में 177 लोगों को प्रशासन की ओर से पानी से बाहर निकाला गया, उसको बचाया भी गया है। तो ये जो घटना है ये काफी दुखद घटना है और ये घटना होने का क्या कारण है उसकी अभी जांच हो रही है। एक पुलिस की तरफ से एफआईआर भी दर्ज की गई है तो अब प्रशासन की ओर से पूरे एक्शन मोड में प्रशासन आया है और जो भी
इस घटना में जो भी अगर दोषी ठहरेगा तो उसको पुल टूटने के बाद अभी और कितने लोग नदी में हो सकते हैं, क्या संभावना है? देखिए नदी में तो अभी कितने लोग हैं, कितने ब्रिज के ऊपर थे, ये सारी जानकारी अभी प्रशासन की ओर से भी ले जा रही है। जो जो लापता है उनके उनके जो परिवार वाले हैं उनसे भी जानकारी लेकर अभी और खास करके जो कितना टिकट उसने बांटा था, जो ये ब्रिज जो झूलता ब्रिज है वो ब्रिज के ऊपर जाने के लिए 15 रुपये का 15 रुपया टिकट है, तो ये कितने लोगों को उसने टिकट बांटा था, कितने को निकाला, ये प्रशासन अभी इसकी जानकारी दे रहा है। पर खास करके जो भी रेस्क्यू का काम है वो काफी जल्दी हो रहा है और साथ साथ में शैलेश इतने बड़ी हादसे के बाद कौन जिम्मेदार है उसका तदंत कैसे किए जाएगा, सरकार के ओर से क्या सूचना इस बारे में दिए जा रहे हैं? क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि जो गिरे पुल का फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं था। हाँ देखिए इस बारे में अभी सूत्रों से जो पता चला है पर सरकार की ओर से इसके बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ है, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि ये जब ब्रिज चालू किया तो जो मोरबी नगर पालिका है उसका नगर पालिका की मंजूरी भी नहीं ली थी, और ये जो त्योहारों में ज्यादा से ज्यादा लोग देखने आए, ज्यादा से ज्यादा कमाई हो, ऐसा प्रशासन का भी कहना है कि भाई जरूर जितने लोगों को उसके ऊपर जो संभावना है कि कितने लोग ऊपर जाएंगे और कितने और इससे ज्यादा ज्यादा वहां पर किए जाएंगे, लेकिन अभी प्रायोरिटी ये है कि और क्या कौन कौन लोग नदी में फंसे हुए हैं उनको पहले रेस्क्यू किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश आपके जानकारी के लिए। शैलेश चंपानी रामर प्रतिनिधि अधिक सूचना दूसरे एवं भी रेस्क्यू ऑपरेशन चली राति तमाम मोरबी रे माछु नदी रे ये अघटन पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रही एवं भी सका एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम एवं जवान मैंने सेठे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखिंट उद्धार कार्य जारी रही।